अरे पीछे आ जाओ कुछ बाबा कौन से बाबा कौन कौन ठीक है ये कौन सा बोल पीछे चले भाई आ जाओ देख लो यार लुक एट रेड सामने का फोटो मार रहा है भंकस की जो फिल्म है इसके बारे में बताइए क्या है इस फिल्म की जो इस फिल्म का जो बेस है जो भंकस है इसमें भंकस का मीन्स है बकवास कि ये जो दुनिया है जब ये लड़ाई करती है इन्हों लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती है सो ये फिल्म बेसिकली उसमें बेस है और मेरा जो कैरेक्टर है विचित्र पिल्लई नाम है मेरा जो मेरे कैरेक्टर का नाम विचित्र पिल्लई और मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जब मुझे अनमोल पांडे सर ने ये कैरेक्टर के बारे में मुझे ब्रीफ किया सो आई रियली लव दिस कैरेक्टर सो मुझे बहुत अच्छा लगा करने में भी अच्छा लग रहा है कई भंकस की आपने रियल लाइफ में किससे की है भंकस की रियल लाइफ नहीं है ये आपने कभी की है भंकस मेरा सवाल ये था कि आपने कभी भंकस की किससे मतलब भंकस करते मस्ती करते हाँ मैंने ऐसे कभी किसी से भंकस नहीं किया है बट मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा अगर हम किसी को प्यार से अलग तरीके से समझाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होता है सो भंकस भी इसी तरह ही कुछ है कि हम ज़्यादा किसी लड़ाई झगड़ा ना करें और यू नो एक अलग तरीके से कुछ अलग सोच के यू नो नॉन वायलेंस किस तरह सोच के हम अच्छे से सब कुछ अच्छे से करें आपके बर्थडे की शुरुआत कितनी अच्छी मानते हैं क्योंकि आज ही मतलब आपका बर्थडे भी है और आज फिल्म का अनाउंसमेंट होने वाला है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आज ही मेरा बर्थडे जो है जो मैं लास्ट टाइम प्रीवियस बर्थडे था उसमें मुझे बहुत अच्छा था दिस टाइम मेरा जो बर्थडे है उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज यू नो जब बर्थडे आता है तो आप भी बड़े होते हो आपके एक्सपीरियंस भी बड़े होते हैं आप बहुत कुछ सीखते हो एंड यस आप लोग भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं मेरा बर्थडे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड और मेरे बर्थडे में मुझे फिल्म भी मिली है तो यू नो डबल खुशी है बहुत ज़्यादा खुशी है कोई ऐसा बर्थडे है जब ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको हमसे याद रहता है कि उस बर्थडे में ऐसा हुआ था मम्मी ने कुछ कहा हो पापा ने किसी फ्रेंड ने कुछ कहा हो कि कुछ मिला आई थिंक मैं ये वाला बर्थडे नहीं भूलूंगा बिकॉज इस बर्थडे में मुझे फिल्म भी मिली है आइए ये मेरी मम्मी है कम आइए आंटी हेलो शी इज़ माय मॉम मुझे इस बर्थडे में ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कार गिफ्ट करी है BMW एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं भंकस साइन कर रहा हूँ और ये भंकस मूवी बहुत अच्छी है दोनों मुझे बहुत खुशी भी ऐसी होती कहीं मस्ती क्या कभी सुनने काश मेरी मम्मी भी ऐसी होती BMW गिफ्ट मिलता मुझे अभी BMW के बाद दूसरी कार का डिमांड है कि मम्मी नेक्स्ट टाइम कुछ और दिलाइएगा उससे ही बड़ी कार जैगुआर वगैरह तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं बचपन तो फिर जैसे बच्चे बड़े होते उस तरह डिमांड होती ना बचपन में तो हम घर पे भी कैंडल जला देते थे अगरबत्तियाँ जला करके फूल माला हम लोग गायत्री संस्था से हैं तो हमेशा हमारे यहाँ पूजा से होती थी नहीं बर्थडे में तो ऐसी कोई मस्ती नहीं है लेकिन इसने एक बार ऐसी मस्ती की थी कि हमारे यहाँ एक एंगेजमेंट चल रही थी और इसने ऊपर माचिस डाल दिया था माचिस की तील डाल दी थी और नीचे पूरे गेस्ट डिनर कर रहे थे और ऊपर आग लगी हुई थी और ये साइड में खड़ा हो गया था कि आज तो एंगेजमेंट में मेरी धुनाई होने वाली है क्योंकि धुनाई मतलब तो इसने वो मस्ती बहुत गंदी वाली की थी और यू नो व्हाट कि ये जो बर्थडे हम इतने अच्छे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे ही नहीं मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं अभिषेक निगम हम दोनों का बर्थडे साथ में होता है अभिषेक को बुला दो हाँ मेरे भाई भी आएंगे अभी आ रहे हैं सो ये जो है ना ये मूवमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि 13 सितंबर को हम दोनों एक साथ पैदा हुए थे बस 4 ईयर्स का फ़र्क है नहीं जैसे कि हर बर्थडे पे विश होती है तो इस बर्थडे पे क्या विश है मतलब जो आप चाहते हैं कि इस बर्थडे पे ये सब होना चाहिए साल ही होना चाहिए मेरी विश यही है कि आज मैं जिस मुकाम पे मैं उस मुकाम से हमेशा ऊपर जाऊँ कभी नीचे ना जाऊँ एंड आपके भाई का भी जैसे कि बर्थडे है सेम डेट पे तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे
अभी वो स्टडी कर रहे हैं, वो लॉ कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे लॉयर बने, मतलब बहुत अच्छे, यू नो, एक बहुत बड़े लॉयर बने ताकि वो मुझे संभालें। ये तो मुश्किल काम बताती है। जी, मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताया, ये मेरा बड़ा बेटा, तो इसलिए मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दोनों बेटों का बर्थडे होता है, तो मैं हर साल इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ। और थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग आते हो। मेरी मम्मी का गाना जो मुझे मम्मी हमेशा कहती हैं कि बेटा बी डिफरेंट, बी डेडिकेटेड, बी डिफिकल्ट एंड बी द वन एंड ऑनली। सेम हैप्पी बर्थडे टू माई ब्रदर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी की वजह से आज हम दोनों का बर्थडे एक साथ मनता है, सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी बात है। और बाकी मैं बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं उसके साथ हमेशा एक तरह साथ साथ बर्थडे मनाएं और आप लोग हमें इस तरह बेस्ट विशेस दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाना कौन सा? और क्या है आगे, आप लोग गा दो। साल के दिनों 1000 हैप्पी बर्थडे टू यू माय बोथ सन। मुझे तो चाहिए बात करें सिद्धार्थ का क्या बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे उसे? सिद्धार्थ का आज बर्थडे है, तो मैं सबसे पहले उनको विश करना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ, एंड ये साल आपको बहुत अच्छा हो, एंड आज आपकी फिल्म का भी लॉन्च है तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। एंड आई हैव सीन योर अशोका, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड यू आर डूइंग रियली गुड, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। धूम में या आई हैव सीन धूम फिल्म एक्टिंग, इज जस्ट अमेजिंग। बात करें भंकस की, कभी आपने रियल में भंकस कभी किया? भंकस नहीं, मैंने नहीं किया। जैसे कि सिद्धार्थ का बर्थडे है, सो मतलब कोई सॉन्ग वॉन्ग या कुछ भी कुछ देना चाहेंगे आप सिद्धार्थ को, जो सॉन्ग गा कर कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? गाना डेडिकेट सिद्धार्थ को, कौन सा वाला? बर्थडे सॉन्ग। बर्थडे सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000, 1000, 1000, बस। I don't know much. मैंने अभी दो मूवीज साइन की हैं और मेरा गाना आ रहा है अभी मनमानी इस महीने, और मे बी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाला है। एंड मैंने गाना गाया वो उस गाने की नहीं, कोई और गाने की, इट्स फाइन बिकॉज़ इट डिडंट रिलीज यट।
एक्सक्लूसिव जाएगा हमारे लिए मैम, इसके लिए अरे मनमानी गाना, मनमानी पहली बार गा रहे हैं हमारे सामने, मनमानी होने देना जिस्मों की मनमानी. सो दिस इज द टाइटल ट्रैक. थैंक यू. आईडी पूछ के भाई ले लो आप, कंगना जी की ले लो. उससे पहले थोड़ा साइड होना. आजा आजा. राजा लगाया तुमने? लगाया हुआ. न्यूज़ 24 बांग्ला. न्यूज़ 24 बांग्ला. बांग्ला ओके. हाँ बोलिए. यस हाय एवरीवन. क्या बोलना है? हाय मैं हूँ कंगना और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 बांग्ला पे. कीप वॉचिंग. हाय मैं हूँ कंगना और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 बंगलो. बंगलो नहीं बंगला, सॉरी. दोबारा से करूँ? ओके. हाय मैं हूँ कंगना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बंगला. दैट्स इट. About this film और सर क्या कहना चाहते हैं? Can I have one moment, please? भाई, इस फिल्म में जो आपने बताया कि पहले ज़्यादा ज़रूरत है, हेलो, थैंक यू. इस फिल्म का आइडिया जो अनमोल सर ने बनाया है वो बहुत ही बेहतर मुझे लगा और वो नॉन वायलेंट लोगों की जो ज़रूरत है वो सच में ज़रूरत है, सक्सेस लोगों से ज़्यादा. तो यही एक आइडिया है, सबसे बड़ा नया आइडिया यही है, हम लोगों को यही पसंद आया और इसको करने का हम लोगों ने सोचा. So sir, ये जो फिल्म ऑल TV सीरीज एंड वी हैव द वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस विद अस अंकिता गोस्वामी. पहले आप इन दोनों के लिए जोरदार तालियां प्लीज. तालियां थोड़ी कम है. आई वांट लिटिल हायर प्लीज. कम ऑन. थैंक यू वेरी मच. अब आप दोनों यहाँ पे हैं. आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, फिल्म अभी तक आपने फिल्म तो क्या आपने धूम थ्री आमिर खान के यंग आमिर खान का किरदार निभाया है एंड ट्रस्ट मी वी ऑल लव्ड यू इन दैट. अब एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन वन मोर फिल्म. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस एंड प्लीज टेल अस सम मोर ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस फिल्म प्लीज. सो मच कि आप सभी आए मेरी वादी में और बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी फिल्म बंकस से भी आज मुहूर्त है. एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लिया. एंड दिस फिल्म इसमें मेरा कुछ अलग ही कैरेक्टर है. वो कहते हैं ना एवरीडे इज अ लर्निंग डे. तो इस फिल्म में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है. यू नो लाफिंग ऑफ मैं इसमें मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा लाफिंग ऑफ है. मैं लोगों को हंसाता हूँ बिकॉज मैं जो बिलीव करता हूँ इस लाइन की लड़ाई से अच्छा अगर हम दूसरे वजह से किसी को मनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा. कहते हैं ना लोग जब लोग बड़े बन जाते हैं तो वो बोल जाते हैं कि उनकी जमीन क्या है. तो दिस फिल्म इसके बेस उसकी उसी पे है कि लोग अपनी जमीन याद रखें कहाँ से कहाँ. थैंक यू सो मच सर. एंड थैंक यू. Thank you, Siddharth, for sharing this wonderful idea about your film. And now I would like to know from you, Ankita. Please tell us something about your experience in this film. So first, thank you all. Adio. Check. Can you please check up the audio? Check. I think this is working better. First of all, it's my love. I got the opportunity to work with Siddharth. I love very much this movie, but I know she's very rugged. She has lots of attitude. So I think you all are enjoyed. That's it. Thank
thank you, Ankita. Thank you for sharing this about the film. So, Siddharth, we are curiously waiting to see if one more film. Seriously. Everybody, big hand for the stars, please. Thank you so very much. That was lovely. I remember that Boom 3 wala. That was lovely. Okay, so you may just join your friends now. And now, it's... Yeah? So Siddharth is curiously waiting for the song. So yes, we'll play it. This film ko likha bhi hai aur is film ka music bhi. Pandey sir, ab actors ne, producers ne sabse bataya. Ab aapki baari hai kyunki directors ka, director sir ka jo say hota hai wo sabse bhari mana jata hai. So let's hear what you have to say. Thank you all. Actually, thank you so much. खाली एंकर के लिए हेलो ये एक्चुअली इट्स अबाउट लाइक ये दुनिया को कामयाब लोगों से ज्यादा नॉन वायलेंट लोगों की जरूरत है और एक्टर्स प्रोड्यूसर्स दोनों मेरे प्रोड्यूसर्स दोनों एक्टर्स इन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि इस मौके पर इससे ज्यादा शायद थैंक यू एवरीबॉडी बर्थडे बॉय ने बुलाया तो थोड़ा जल्दी जल्दी आना चाहिए प्रणल दी सुजान दी प्लीज कम चाचा केक मंजूरी से आ रहा है Chipre, Satura ki chipre, khada ho gaye.
और मेरा है celebration song, do not stop it. Thank you.
Hello. Siddharth, आपके इस पिक्चर के लिए भी हम हमारे हाथ में माइक आ चुका है, बट सिद्धार्थ इज अनमोल और हम इनकी धूम 3 के बाद दूसरी पिक्चर के साथ हमारी पिक्चर में भी ऑलरेडी सिद्धार्थ आगे बॉलीवुड में बहुत नाम कर जाए तो आपकी पिक्चर में और ज्यादा सपोर्ट हो। बीच में मत घूमो यार। ये बात बीच में मत और सामने 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 अरे सीधा सामने देख कैमरा कौन सा देख रहा है।